तो दोस्तों, इस गाड़ी को देखने के बाद लिटरली आप डीजल गाड़ियों को भूल ही जाएंगे। ये है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल हाइब्रिड कार का वेरिएंट, ये है हाइलाइटर का एस मॉडल। इस प्राइस में आपको कोई भी हाइब्रिड गाड़ी अभी इंडिया में नहीं मिल रही है और काफ़ी फीचर रिच वेरिएंट है। इवन जो ग्रैंड विटारा है उसका भी, ये जैसे हाइलाइटर का ही सेकेंड मॉडल है एस, बट जो ग्रैंड विटारा है उसमें आपको सेकेंड मॉडल में हाइब्रिड नहीं मिलता, सिर्फ इसी मॉडल में यहाँ पर मिलता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। दोस्तों, हम शेयर करने वाले इसका एक डिटेल वॉक अराउंड, इस गाड़ी का क्या एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है, ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, यानी कि इस प्राइस में और कौन कौन सी कार्स के कौन कौन से एग्जैक्ट वेरिएंट अवेलेबल है और उसका क्या प्राइस है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है, मेक श्योर टू वॉच इट टिल दी एंड। सो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ, एंड उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ई, एस, जी एंड वी वेरिएंट अवेलेबल है, यानी कि चार आपको यहाँ पर मॉडल मिल जाते हैं, एंड दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। सो आपको एक मिलेगा सुजुकी का इंजन 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स में मैनुअल गियरबॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है। और सेकेंड इंजन है ये 1.5 लीटर थ्री सिलेंडर टोयोटा का जो इंजन है, बेसिकली फुल हाइब्रिड इंजन है ये, एंड सीवीटी गियरबॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है, हीट इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करा गया है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जो है गफ मटेरियल यूज़ करा गया, साउंड डेंडिंग रे, एंड नियो ड्राइव में भी ये वेरिएंट अवेलेबल है दो ऑप्शन के साथ जो है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, एंड हाइब्रिड में आपको सीवीटी का ऑप्शन मिलता है। और इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक के बारे में। सो दीज आर द डेटम रनिंग लाइट्स, जो कि टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करती है, सो आई विल जस्ट शो यू। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है, हाई बीम एंड लो बीम हेलोजन में दी गई है, एंड आप चाहें तो यहाँ पे बाद में LED भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, LED बल्ब जो कि 2500 में इंस्टॉल हो जाता है विद 2 ईयर वारंटी। और इसी के साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है फ्रंट में, यहाँ पे कार्बन फाइबर लाइक फिनिश दी गई है, एंड देन यहाँ पे भी क्रोम फिनिश, काफ़ी जगह क्रोम यहाँ पे यूज़ करा गया है। फुल पियानो ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल मिलेगी, यहाँ पे ग्रे फिनिश में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। जो कार की स्टाइलिंग है दैट इज़ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, काफ़ी अर्बन स्टाइलिंग यहाँ पे करी गई है। देन द ब्लैक कलर ओवर हेयर लुक्स वेरी वेरी नाइस। सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। इस मॉडल में आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती, अगेन वो भी बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बिग साइज़ का क्वार्टर ग्लास दिया गया, दोनों साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, हाइब्रिड की बैजिंग, और ये है टायर्स। सो नॉर्मल स्टील व्हील दिए गए हैं व्हील कवर के साथ, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दीज आर 17 इंचेस टायर्स, 215/60 प्रोफाइल टायर आपको मिलेगा, अपोलो का टायर। व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, और इसी के साथ यहाँ पे जो यूवी कट ग्लास होता है वो आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगा, एंड जो रूफ रेल्स भी हैं वो इस मॉडल में नहीं दी गई, सनरूफ भी अवेलेबल नहीं है। वी गेट अ शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर, और ये है रियर लुक। सो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वो है एक ऐप एंड एक वेबसाइट विच इज़ इंडियाज लीडिंग एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड, तो वो है boardmo.com। boardmo.com से काफ़ी कुछ मैं भी ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाती हैं, बजट कार से लेकर लग्जरी कार तक के सबके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठे कोई भी स्पेयर पार्ट एसेसरी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर वो आपके कार में फिट नहीं आता तो विद इन 10 डेज आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें, यहाँ पे सारी एसेसरीज स्पेयर पार्ट्स बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस में अवेलेबल है, एंड इट इज सुपर रिलायबल एज वेल। और यहाँ पे फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा कई सारे और सेफ्टी फीचर मिलते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले गाइस, जो यहाँ पे रियर लुक दी गई है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिजाइंड है, बहुत ही स्लीक एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, स्लीक टेल लैम्प, क्रोम फिनिश दी गई है, कंप्लीट LED टेल लैम्प अवेलेबल है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक ऑफ करें। अच्छी बात यह कि ये सेकंड मॉडल है और यहाँ पे LED आपको टेल लैम्प मिल जाते हैं, अगर हेलोजन होते तो इतने अच्छे नहीं लगते। देन यहाँ पे आपको ओपन क्रूजर हाईराइडर की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे रिवर्स लैम्प अवेलेबल है, दोनों दिए गए हैं हेलोजन में, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और इस साइड यहाँ पे बिग साइज की स्किड प्लेट, और उस साइड देखेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग, एस मॉडल की बैजिंग, यहाँ पे लाइट्स हेलोजन में। ऑल्सो बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं, टू अनलॉक एंड टू लॉक रियर में कैमरा। ऑल्सो दोस्तों, ये हाइब्रिड है तो यहाँ पे जो स्पेयर टायर वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो अंडर बॉडी यहाँ पे प्लेस मिलता है।
और यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो काफ़ी बिग साइज़ का दिया गया, तो आप देख सकते हैं पूरा बैटरी पैक है ये, तो बूट जो है वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। और यहाँ पे कुछ टूल किट मिल जाती है, यहाँ पे अंडरनीथ कुछ स्टोरेज एरिया, इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्पेस अवेलेबल है इस साइड, एंड दूसरी साइड भी आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पे एक लैम्प, 12 वोल्ट का सॉकेट, और उधर एक आपको ग्रॉसरी हुक मिलेगा। 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है, पार्सल ट्रे भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आप हाइब्रिड एंड नॉन हाइब्रिड दोनों का बूट स्पेस कंपैरिजन भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और रियर सीट में चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स अवेलेबल है, और ये है टोटल बूट स्पेस। इसी के साथ जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो ये है इस वेरिएंट का कंप्लीट ऑन रोड प्राइस, एंड बात करते हैं ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ द कंप्लीट ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन और कौन कौन से वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और रियर में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता, बट डिफॉगर दिया गया। सो अगर वाइपर होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और टोयोटा का यहाँ पे आई कनेक्ट अवेलेबल है, यानी कि आपको मिल जाती है यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन से ही कार के जो फीचर्स वगैरह हैं वो आप काफ़ी सारे कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। साथ में जो इस पर बैटरी दी गई है यहाँ पर, उसमें आपको मिलेगी 8 साल की वारंटी। जो स्टैंडर्ड वारंटी है ऑन द कार, ऑन द इंजन, ऑन द गियरबॉक्स, वो है 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स। के साथ में आपको रोड साइड असिस्टेंस यहाँ पे फ्री मिलता है, जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं दिया गया। वारंटी को यहाँ पे आप 5 ईयर्स एंड 2,20,000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो लिंक भी आ गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपना नेम एंड नंबर सबमिट करें, एंड अवर टीम विल कॉल यू बैक। और इसी के साथ हमारी वेबसाइट पे हर एक कार की एग्जैक्ट जो सर्विस कॉस्ट है वो लिस्टेड है, वो भी अप टू 10 ईयर्स की हर एक कार की। तो कोई भी आप कार परचेज करें, मेक श्योर आप एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो ज़रूर चेक कर लें। एंड अब बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो यहाँ पे 7 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो है वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, मिडनाइट ब्लैक, केव ब्लैक एंड स्पीडी ब्लू कलर। और इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रिटेंशन एंड लोड लिमिटर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, रियर डोर चाइल्ड लॉक एंड चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ हाई राइडर वर्सेस ग्रैंड विटारा वर्सेस जितनी भी राइवल कार्स हैं, कंप्लीट कंपैरिजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स, एंड कुछ ऐसी यहाँ पे कीज अवेलेबल है लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ, स्मॉल सी आपको की मिलेगी। एंड यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स नहीं दिए गए, और दो जो स्मार्ट कीलेस एंट्री है और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको दोनों ही फ्रंट डोर्स में मिल जाता है। सो कीज को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, पहले इससे गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इट्स अ हाइब्रिड कार, तो बहुत साइलेंटली ये स्टार्ट हो जाती है। और ये है डैशबोर्ड की लुक। डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश नहीं मिलती, नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश दी गई है इस मॉडल में। और डुअल टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री। एंड ड्राइवर साइड सीट की हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक क्लच फुट रेस्ट दिया गया, यहाँ से बोनेट ओपन हो जाएगा, यहाँ से फ्यूल लाइट, एंड ये है हेडलैम्प लेवलर। स्विच दिया गया इल्यूमिनेटेड, और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का जो स्विच है पावर ऑन, ये काफ़ी अच्छा लगता है। देन यहाँ पे अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिश इतनी नहीं दी गई लाइक द टॉप एंड ट्रिम और अदर ट्रिम्स। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो फ्रंट फुटवेल है इट इज़ इल्यूमिनेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट दी गई है। और ये है फ्रंट डोर के लिए, डुअल टोन कलर में अगेन आपको डोर मिलेगा। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश अवेलेबल है, काफ़ी कुशन दी गई है, बट लेदर फिनिश आपको यहाँ पे नहीं मिलती। आप चाहें तो बाद में कंप्लीट यहाँ पे लेदर फिनिश, यहाँ पे लेदर फिनिश और डैशबोर्ड में लेदर फिनिश इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। सिर्फ डोर्स में आप करवाएंगे तो 2,500 में इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं, देन ट्विटर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 1500 में फ्रंट में, ओरिजिनल ट्विटर्स, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट। साथ में ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों ही अवेलेबल है। और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स हैं सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच आपको मिलता है इल्यूमिनेटेड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs अवेलेबल हैं, देन पावर डोर लॉक स्विच। और इसके नीचे यहाँ पे लाइट जो है वो इस मॉडल में नहीं दी गई। एंड डोर को क्लोज कर देते हैं।
सो यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट विच इज़ कुशन आर्मरेस्ट, लेदर आप दी गई है, और यहाँ पे आप हाथ प्लेस करके आराम से गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, और स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, सो हम इसे आगे एंड पीछे भी कर सकते हैं बहुत आराम से, एंड काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे ट्विन का फोल्डर स्पेस, एंड यहाँ पे आपको दो मोड्स मिलते हैं विच इज़ ईवी मोड एंड ड्राइव मोड। सो यहाँ पे आपको दो ड्राइव मोड मिलते हैं जो है इको मोड एंड पावर मोड, दोनों में आप स्विच कर सकते हैं, और साथ में ईवी मोड हो गया यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक पे कार चलेगी यानी कि बैटरी पे चलेगी, और ये इस टाइम ईवी पे ही है यानी कि कार इस टाइम स्टार्ट है, यू कैन सी कम्प्लीटली डेड साइलेंट है कार एंड ईवी पे है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेलरेटर पेडल को थोड़ा सा प्रेस करूँगा हार्ड, इंजन स्टार्ट हो गया यू कैन सी, तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी पे एंड इंजन पे शिफ्ट होता रहता है जिस वजह से आपको जो माइलेज है वो काफ़ी कमाल की मिल जाती है। साथ में दिस इज़ द गियर बॉक्स, रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं। सो ये है रियर व्यू कैमरा, सेंसर का डिस्प्ले आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ से हम सेंसर्स एंड गाइडलाइंस को ऑफ कर सकते हैं, साथ में डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह सैचुरेशन सब कुछ हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस दी गई है दे आर नॉट अडेप्टिव, फिक्स गाइडलाइंस है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं दी गई, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम द टोयोटा शोरूम, और इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है, देन आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाता है, देन वी हैव गॉट फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, एसी काफ़ी इस तरह से वर्क करता है, और इसके आसपास यहाँ पे सिल्वर फिनिश नहीं दी गई इस मॉडल में, और ये है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको एप्पल केयर प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो दिया गया, 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे डे टाइम डे सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होता है, देन यहाँ पे वो क्विक सेटअप मिल जाता है, तो सिस्टम की भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, माई इमेजेस में जाके कोई भी आप अपनी मर्जी का जो वॉलपेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे वॉइस कमांड अवेलेबल है। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ओपन ड्राइविंग रेंज। सॉरी, आई डिडंट गेट दैट, प्लीज से दैट अगेन। ओपन ड्राइविंग रेंज, थोड़ा सा वो क्लियर बोलना पड़ेगा, एंड यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, तो वॉइस कमांड के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली होम स्क्रीन में जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी एंड एनर्जी फ्लो डिस्प्ले होता है, और डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे करंट ड्राइविंग टाइम, वन ड्राइव माइलेज, एवरेज स्पीड, सारी डिटेल जो है वो शो होती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एनर्जी फ्लो, इंजन स्टार्ट होगा जैसे मैं करता हूँ, तो इंजन स्टार्ट हो गया तो आपको दिख जाएगा कहाँ से पावर मिल रही है, और बहुत सारी यहाँ पे और भी सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल है, वार्निंग वगैरह डिस्प्ले होंगी। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी इंफॉर्मेटिव दिया गया। ये है ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में एल्यूमिनेशन दी गई है जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर है, बट कूलिंग फंक्शन आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगा। यहाँ पे वैनिटी मिरर इधर देखेंगे, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर, बट लैम्प यहाँ पे नहीं दिया गया इस मॉडल में, एंड नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM है। फ्रंट में हेलोजन लैम्प, सनग्लास होल्डर यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन सनग्लास होल्डर वाला जो कंसोल है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 2200। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट दी गई है। यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये भी कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स, सारे कंट्रोल्स हैं इल्यूमिनेटेड, एंड देन ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हाइब्रिड में आपको मिलेगा, और यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनर्जी फ्लो डिस्प्ले होता है, ओडोमीटर, डुअल ट्रिप मीटर, ब्राइटनेस वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओवरऑल जैसे टेम्परेचर यूनिट है सेल्सियस फ़ारेनहाइट हम कर सकते हैं, बेसिक सेटिंग है, लो फ्यूल रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर ओपन रिमाइंडर, कोई भी यहाँ पे सॉन्ग प्ले होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, कॉल आएगा तो आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, और यहाँ पे इंजन रनिंग टाइम, ड्राइविंग टाइम। और अब चलते हैं रियर सीट्स में, यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होगा रिमाइंडर, बोनेट ओपन करते हैं तो उसका भी रिमाइंडर आपको मिलता है। और यहाँ पे प्राइवेट लॉकिंग अवेलेबल है, तो जो रियर डोर है वो अनलॉक नहीं हुआ। सो ये है रियर डोर के लुक, स्पीकर अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, और यहाँ पे अगेन आपको कुशन फिनिश मिलेगी। ये है रियर सीट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दी गई है, सीट्स थोड़ी बहुत रिक्लाइन भी हो जाती हैं,
और यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट विटवीन ट्विन कप होल्डर्स। आर्मरेस्ट आपको यूज़ नहीं करनी तो ऐसे जाके आप इसे पीछे फिक्स भी कर सकते हैं। और फ्रंट सीट्स के बैक पे दोनों जगह पॉकेट, रियर एसी वेंट। यहाँ पे दो चार्जर अवेलेबल हैं, एक आपको यूएसबी चार्जर मिलेगा और एक सी टाइप यूएसबी दिया गया। सो यह सी टाइप यूएसबी, एक आपको नॉर्मल यूएसबी मिलता है। देन ग्रैब हैंडल, यहाँ पे एक लैम्प, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे कोट हैंगर भी दिया गया, उधर नहीं दिया गया। और यहाँ पे भी एक लैम्प, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, इसको क्लोज करते हैं। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो इसमें जो हाइब्रिड मॉडल है वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी, और जो नॉन हाइब्रिड है उसका प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया है। तो दोस्तों जितने भी लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से चेक करें, आप मेरे से वन टू वन बात कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंजन स्टार्ट हो गया फिर से, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जैसे थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो